कबूतरों की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। और आपको बताते चले कि उस्ताद मकर जो है उनके छठी कुर्सी बैठी है, पाँच बच्चे उछल रहे थे तो यहाँ पे कबूतर नीचे आया हुआ। जैसी कैमरे की आप उसे कैच करने की काबिल होगी हम आपको उसी को चौंक पाएंगे। फिर आप ज़रा दिखाएंगे बेटा थोड़ा कोशिश करें कैमरे में आप पहले तीनों कबूतर नजर आ रहे थे और ये कबूतर अभी इनका है नीचे, इनका देखते हैं जैसे ही कैमरे की आँख के आने के काबिल होगा वैसे ही हम कवर करते हैं। रहीम साहब मत मारो के छः बैठ चुके हैं और सातवां उनका बैठने वाला है और इनके भी दो बाहर आए हुए हैं। देखो अभी नज़र एक ही आ रहा है, तीनों में से एक ही नज़र आया, अभी हमें जो दिखाया वो एक ही दिखाया, हमें नहीं पता उनका भी बेशक मैं भी नज़र आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे होते तो वहाँ पे पता चलता। इस वक्त यहाँ पे है तो यहाँ पे एक कबूतर नीचे आया है इनका, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर है दिख रहा है, जैसे ही थोड़ा सा क्लियर होता है कैमरे के मुताबिक तो आपको उसका व्यू दिखाते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कैमरे को ऊपर ही रखें ताकि जैसे वो मे भी कैमरे की आंखें आ जाए। अरबीर साहब सारे कमेंट का जवाब दिया हमने, कोई अगर रह गया हो तो माजरत, बाकी आपका कोई कमेंट रह जाएगा तो हम ज़रूर उसका जवाब लिख के दे देंगे जनाब, अगर हम बोल के जवाब नहीं देंगे। नाम ले लीजिए सबका, बोला करो जो भी उस पर आप बता सकते हो, सारे मसला कह रहे हैं नाम लेकर बता दें। फैसल नदीम अहमद भाई पूछ रहे हैं क्या हाल है आपका यूएई से। नदीम साहब बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास शुक्र अल्लाह का। और फाहद तारिक पूछ रहे हैं कितना ऊंचा कबूतर है अभी। अभी हाइट पे है क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में थोड़ी हाइट भी है तो वो भी ज़्यादा फील होती है, तो अभी अभी देखा गया दो दफ़ा देखा है यहाँ भी है, लेकिन कैमरे की आँख इसलिए क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि अंधेरा हो चुका है।
जैसे थोड़ा सा नीचे आता है आपको दिखाते हैं, इसीलिए कैमरा ऑन किया है ताकि, क्योंकि इसमें कबूतर जब कूदता तो बड़ी स्पीड पर नीचे आ जाता है, तो हमने इसीलिए पहले ही वीडियो ऑन कर ली है कि जैसे क्लियर हो आपको दिखा सकते। ज़रा रिपीट कर दीजिएगा, पूछ रहे हैं भाई के क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट ज़रा रिपीट कर दें। उनका नाम है जनाब हसीफ खान, पूछ रहे हैं। हसीफ खान साहब 6:59 पे मतमारों की छठी कूटी बैठी है, 7वां ऊपर है, वो भी दिख रहा था सामने, इनके भी दोनों सामने थे, इनके 5 बैठे हैं आगे आगे, कबूतर एक पीछे आ गया। जैसे ही कैमरे की आँख के मुताबिक आता है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी नदीम अहमद साहब, बिल्कुल 8 बजे का टाइम है जी। बाजी का रिजल्ट पूछ रहे हैं जनाब, उमर अब्बासी साहब पूछ रहे हैं। उमर अब्बासी साहब अभी उनके मतमारों के साथ बैठ चुके हैं, अभी बैठा है 7वां, अभी वो मिलने के साथ में बैठ गया, उनका उनका अभी नीचे आया है, जिससे बात करें। राना सुलेमान यूएई से बोल रहे हैं जी, इस्लाम भाई। राना अमर भी यूएई से बोल रहे हैं। बाकी भाई जमशेद भट्टी साहब कह रहे हैं, भाई आपको कहा था 6 बजे के बाद, इन्होंने पहली वीडियो में कहा था कि 6 बजे के बाद ही बैठेंगे ये सारे कबूतर, क्योंकि इन्होंने उड़ान देख ली थी कबूतर की। तो जमशेद भट्टी साहब कमेंट कर रहे हैं कि जी मैंने कहा था पहले ही 6 बजे के बाद बैठेंगे। जी भट्टी साहब माशाल्लाह अच्छा नॉलेज है आपका। ये आपको ज़रा नीचे का नज़ारा दिखाते हैं, मेला लगा हुआ नीचे, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का लोग। लो जी ले जी, छठा इनका बैठ गया है, सातवीं कबूतरी भी इनकी निकली हुई बाहर आ गई, कबूतरी बैठ रही है इनकी, कबूतर बैठ चुका है माशाल्लाह, बहुत आ गई कबूतरी भी आ गई है माशाल्लाह।
आज तो कमाल ही, दोनों शोतों ने कमाल ही कर दी जी, दोनों ने अंधेरे में बिठा दिया छठी बाजी। ओ उस्ताद जी मैं साहब आज का तालियां ना मारो भाई, बैठ जाए इंद्रा पिछड़ी क्यों बैठ जाए इंद्र भाई, सरवाज इंद्रा बैठ जाए। आपने जाल भी रखे, अगर कबूतरी उधर आएगी तो जाल दे। भाई साहब मुल्ला का साथ 47 में बैठ गया, मातमार के जी आखिरी वो भी नीचे आया, वो नहीं बैठता ही था। कबूतर आ गया है साहब जी, कबूतर आ गया है। हाँ जी वो दूसरा भी अभी दिखा रहे हैं, तो ठीक है ना सब में। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी स्पीड पर बहुत ही यार कमाली काफ़ी कबूतरबाजी दिखा रही है इन दोनों सकों में, बहुत आला जी, बहुत आला भाई। अभी आपको सारी रिपोर्ट देते हैं, ज़रा वेट कीजिए जी प्लीज़ थोड़ा सा। भजन ज़रा अभी अभी छत पर, छत के दरमियान में नहीं जा सकते हम, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है और एक कबूतरी इनकी बैठ गई है, कबूतर बिल्कुल नीचे आया है, तो जब तक बैठता नहीं है तब तक हम आपके व्यूज़ का भी जवाब नहीं दे सकते, अपने कमेंट्स का भी जवाब नहीं दे सकते। आप सबके कमेंट्स का जवाब देंगे हम, ज़रा थोड़ी देर ठहर के। ये इनका छठा अभी थोड़ी देर पहले बैठा जनाब, अभी छोड़ दो अभी फिर वो इधर ध्यान बाद में सब कमेंट कर जाते हैं। सिर्फ अंदर अंदर आए ठीक तरह, बाहर वाले छड़ दें, बाहर वाले बैठे रहे 10 मिनट पड़े हैं 11 मिनट अभी। सात 45 पे मादा बैठी है, मादी बैठी है। किस्मत मुकद्दर है जी, मुकद्दर किस्मत मुकद्दर। उस दिन किस्मत थी इनके दोनों नीचे आए थे, एक भी नहीं बैठा, आज भी ड्यूटी था, कुछ नहीं पता था क्या होना, और फिर किसी का डर बना हुआ था कि उस दिन भी ड्यूटी रहेगी, अल्लाह खैर ही करे। कुछ यानी कि बहुत हर बंदे के दिमाग में ये था कि उस दिन ड्यूटी नहीं बैठा, पर आज भी सामने खड़े, तो अल्लाह की रात पर जिसे कहा था।
इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में भाई। जी पाकिस्तान पिक्चर एसोसिएशन पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, ट्विटर, टम्बलर, गूगल प्लस सब पे। तो नीचे का दृश्य ऐसे हो ना कि आप खड़े हो गए या कबूतर अभी नहीं बैठा तो जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, फौरन नीचे बैठ जाओ, क्योंकि ये टाइम बड़ा ना खतरनाक होता है। सर ताले ने नाजरीन आए आपको जरा थोड़ा सा शो करवा दें। अभी ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, इधर गया ही अभी 6 मिनट आए या ठहरो, 6 मिनट कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी थोड़ा सा वेट करें जनाब, बस अभी आपको अभी टाइम 8 बजे के बाद हम आपको पूरी रिपोर्ट देंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लें। नीचे जनाब फुल मेला लगा हुआ है, लोगों का इतना रश है कि जितना मेले पे बंदा रश नहीं देखता, इतना रश लगा हुआ है वहाँ पे। नीचे आपको जी पब्लिक दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैं
क्या नाम है आपको? कहाँ से? बड़ी गल है यार, छह बार दोनों ने हार दी किस्मत और जी प्यारे क्या हाल है, कैसी तबीयत है? सब खैरियत? ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है? अच्छा और जी भाई सब ठीक है? सब ठीक है, ले जी इनकी बड़ी मेहनत है, ये बहुत मेहनत करते हैं इरफान साहब, ठीक है, ये सारी इनकी इनके मुहाफ़ साहब इनकी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं इनको। आज की बाजी उस्ताद मुल्ला तारा वाले एशियन टाइगर्स जीत चुके हैं, 7:45 छठा कबूतर छठी कबूतरी इनकी बैठी है और उधर पहले बैठ गए थे, साथ के साथ पूरे हो गए उनके, अब सातवीं बाजी पे फैसला है, देखते हैं अल्लाह की ज़ात किसे देती है। जरा एक दफा सत्तर कहना तुम्हारी राज दिखा, जरा राज मिंदे दे हूं भाई दादी, और कितने जाना नहीं आप इस साइड पे आए जी, इधर कबूतर नजर आने चाहिए, जाल नजर आए, इरफान साहब आ जाओ इधर, देखे जी मानने वाली बात है कि छठी बाजी और दोनों जो छठे हैं काम कर रही हैं, एंड टाइम कर रही हैं, 7:37, 7:45 इससे आगे अंधेरा है, इसके बाद तो किसी काम का नहीं, 8:00 तक टाइम है, दोनों ने अंधेरा दिखाया है, छठी बाजी अभी ये नहीं कि पहली दूसरी, छठी बाजी लगातार अंधेरा दिखा रही है, दोनों छठे बहुत से शौक दिखा रही है।
अभी छठा कबूतर 7:45 मिनट पे और एक कबूतर जो नीचे आया था मे भी जो शोर मचा एकदम शायद उसे वो डर के साइड पे हुआ सर कमेंट की तरफ जरा जी नाज़रीन एक मिनट जी आपके पहले कमेंट जो आए हैं इसी वीडियो पे पहले हम वो निकालेंगे क्योंकि वीडियो इंटरप्ट हो गई थी तो उस पे हम मतलब जो है वो नहीं बता सके तो अभी आपको जवाब देते हैं पहले पिछले कमेंट्स का उसके बाद अभी इस वीडियो के कमेंट्स पर आते हैं पहले पिछले वीडियो के कमेंट निकालेंगे ये कमेंट पढ़ते जाएँ और बोलते जाएँ ये पिछली वीडियोस में जो आप कमेंट कर रहे हैं उसका जवाब पहले देंगे उसके बाद इस वीडियो पे जो भी कमेंट आपके होंगे उनका जवाब दिया जाएगा जी पहले तो मातमारो की रिपोर्ट पूछ रहे हैं मातमारो की रिपोर्ट बता देंगे उनका आखिरी कबूतर कितने बजे बैठ गए 7:40 उनके सारे पूरे हो गए हैं ठीक है अभी राणा सुलेमान यूएई से राणा आमिर यूएई से और एक और दोस्त हमारे वो यूएई से कह रहे हैं कि हम आपकी जी बहुत शुक्रिया आप लोग हम इतना शौक अच्छा करवा रहे हैं इधर लाइव शो का बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर से देखते हैं आप हमारा चैनल देखते हैं हमारा चैनल चल रहा है आप दोस्तों की मोहब्बत है आप दोस्तों की सपोर्ट है पूछ रहे हैं उस्ताद मुल्ला की कितनी छतों के साथ बाजी है जरा वो भी बता दें सर उस्ताद मुल्ला की कुछ 36-37 छतों से बाजी है बहुत सारी छतों से बाजी है इसलिए नाम कंफर्म सबका नहीं बता सकते करीब तरीन जो छत होती है छत है उसकी हम रिपोर्ट आपको देते हैं उसके बारे में हम सारा कुछ आपको बताते हैं जो भी हमें रिपोर्ट हमारे तक पहुँची है वो आप तक पहुँचाते हैं मतलब जमशेद साहब की रिपोर्ट मिली थी उनके 5 बैठे हुए थे 2 नहीं बैठे हुए थे उन दो का मुझे नहीं पता कि बैठे के नहीं लेकिन असर के बाद पता चला था उनके 5 बैठे हुए 2 नहीं बैठे अल्लाह बेहतर जानता है वो बाद में मगरिब से पहले पहले बैठ चुके हैं या नहीं ये नहीं पता इन जगहों की जो जो हमें रिपोर्ट आती है जो जो रिपोर्ट आती है वो हम आज तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं बाकी एक दोस्त कोरिया से थे वो दूसरे कमेंट में लेकिन वो जो कमेंट नहीं मेरा कोरिया से सलाम अलैकुम कह रहे हैं जी बहुत शुक्रिया कर रहे हैं जी आप हमें इतना अच्छा शौक करवा रहे हैं आपका शुक्रिया और उस्ताद मुल्ला का आखिरी कबूतर कितने बजे बैठा वो भी जरा बता दें 7:47 कितने सेकंड पे जी 7:45 पे बैठा जी 7:45 सेकंड और हमारे नाज़रीन को जरा बता दें कि ये इनकी 3-3 बराबर हो गई बाजियाँ जी इनकी 3-3 बराबर हो गई है जी अब या किस्मत या नसीब जिसे अल्लाह की ज़ात पाक दे दोनों बड़ी अच्छा शौक दिखा रहे हैं दुनिया को दोनों का की तरफ दुनिया का पूरा ध्यान है और दोनों का शौक भी बड़ा अच्छा जा रहा है दोनों शाम तक उड़ा रहे हैं कबूतर हार जीत नसीबों की जिसे अल्लाह की ज़ात पाक दे अब आज देखें आप 8 मिनट की हार जीत हुई है दोनों ने अंधेरा की है दोनों को अंधेरे में ही बैठे 38 मिनट है ना 5 मिनट 40 और 40 पे बैठे 37 मिनट जेन में है ना तो वो 40 हाँ जी 7:40 पे बैठे ना माजिद आरिफ कह रहे हैं जी माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन उस्ताद जी को और थैंक यू फैसल भाई ग्रेट कवरेज इंग्लैंड से कह रहे हैं जी आपका थैंक यू जी और राणा सुलेमान बहुत बहुत मुबारक हो उस्ताद जी को राणा बासित बहुत अच्छा शो करवाया प्यार मोहब्बत मैसेज देना दोस्तों अच्छा अच्छी गेम चलनी चाहिए हमारा काम है रोल जी बहुत से मुबारक दोस्त मुबारकबाद दे रहे हैं और सलाम कह रहे हैं आपको शुक्रिया जी मेरा भी तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया सर बड़ी मेहरबानी सर मुल्ला जिंदाबाद सर मुल्ला जिंदाबाद चलो इधर कमेंट्स क्लियर हो गए पहली बड़ी वीडियो इधर वाले कमेंट में अभी भाई तारीफें किए जा रहे हैं
याद नहीं आ रही है। मैं वीडियो देखता हूँ। ये फैसल भाई से अब ज़रा थोड़े बिजी हो गए, मुझे इनसे भी टाइम लेना पड़ेगा जी। उम्मीद करता हूँ जी आपको, हमने अपनी तो ट्राई पूरी की है कि आपको अच्छा शो करवाएं। भाइयों की दुआएं हैं। जी मैं जो फ्री हो जिस चीज को जो चीज चाहिए, को कार्ड चाहिए, नंबर चाहिए, मैं सबको जी। मलक जहीर मलक कह रहे हैं जी मुबारक हो। मुशरफ जमील कह रहे हैं दोस्तों की मुबारकबाद उस आप तक पहुंचा दी है। थैंक यू मुशरफ जमील साहब जी, स्मार्ट बॉय स्मार्ट कवरेज, थैंक यू। ये फैसल भाई के फैन भी जी जनाब चेक करें, सेल्फी ले रहे हैं साथ। प्लीज दो सेकंड मुशरफ जमील साहब जी, आई लव यू उस्ताद जी को जरा कह रहे हैं। लुकमान खान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान भाई उस्ताद नदीम को मेरा सलाम देना। सबका सलाम पहुंचा दिया है, सबके मुबारकबाद पहुंचा दी है। सुल्तान कह रहे हैं जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। हाँ जी मुबारकबाद सबकी पहुंचा दी हमने। फैसल भाई कबूतर देखने की फरमाइश है, जो कबूतर उड़े हैं जरा वो उनका कह रहे हैं जी, शो करवा जी। आपके जो पिछली वीडियो पे कमेंट आए हैं उन सबका जवाब मैं खुद ही देता हूँ। उमर अब्बासी साहब माशाल्लाह गुड वर्क, बहुत शुक्रिया। मेहर उमर पिजन हॉबी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबकी मुबारकबाद पहुँचा दी गई है। फहद साहब आपकी भी आपने ग्रेट विन कहा है, बहुत शुक्रिया। मलिक एसन एस एन वेरी वेरी गुड उस्ताद जी, आपकी भी आप सबकी मुबारकबाद पहुँचा दी गई है। मुशरफ साहब बहुत बहुत हार्ड गुड माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हार्ड गुड, दोनों बहुत अच्छे शौक दिखा रहे हैं, दोनों अंधेरा कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, इससे आगे अंधेरा ही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। और छठी बाजी अंधेरा दिखाना बड़ी बात है, कबूतर का अंधेरे में घर बैठना भी बड़ी बात है। अच्छा जी हैप्पी बंगू ग्रेट हसन खान साहब, ये हसीब साहब आपको बताया कि इनका छठा कबूतर बैठा है 7:45:45 पे और उनके साथ पूरे हो गए 7:40:25। मुशरफ साहब नेवर सीन लाइक दिस जी, बिल्कुल जी आई ऑल्सो नेवर सीन लाइक दिस, लाइक इससे पहले कभी भी मैंने भी नहीं देखा इतना ज़बरदस्त शौक। लाहौर के बड़े बड़े अच्छे शौक देखे हैं मैंने सर, लेकिन ये जो इन दो के छतों का शाम तक ये दिखा रहे हैं और आखिरी बाजियों में शाम, बड़ी बात। ये देखिए क्लोज कितनी है, ये एक मेले का समय होता है, क्लोज है और टाइम भी क्लोज है जी। राहिल मलिक साहब फैसल भाई माशाल्लाह आपकी एनर्जी अभी भी वैसी है जी। हमारी एनर्जी अगर वैसे नहीं होगी तो हम चैनल नहीं चला सकते जी, हमारी एनर्जी डाउन भी होगी तो हम आपको शो नहीं करेंगे कि हमारी एनर्जी डाउन है। आपको मैंने लिख के दिया है।
अच्छा जी नदीम अहमद साहब वही बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप इतनी दूर से देख रहे हैं जी। राहील साहब क्रेडिट गोज़ टू यू फैसल भाई, क्रेडिट गोज़ टू अजहर इकबाल एंड यू जो आप देख रहे हैं आप सब पे। भाई आपको कहाँ था 6 बजे के बाद दोनों बैठेंगे। अच्छा जमशेद साहब, जमशेद भट्टी साहब कह रहे हैं मैंने कहा था 6 बजे के बाद बैठेंगे दोनों। बड़ा अच्छा नाना जी आपका माशाल्लाह, बड़ा अच्छा तजर्बा है, बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस है जी। राणा साहब कह रहे हैं जी, राणा सलमान साहब यूएई से कि जी आपको हर पर लाइव देखते हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। खवाजा उस्मान माशाल्लाह जी, बिलाल गुजर नाइस, मुशरफ जमील आल्सो ग्रेट लाइव कवरेज, क्रेडिट गोज़ टू अजहर इकबाल खान खान नाइस, नवीद असलम साहब माशाल्लाह, राहील साहब आपकी और फैसल भाई की वजह से हमने बहुत इंजॉय किया सर, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान आदिल माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, आप सबकी मुबारकबाद पहुँचा दी गई है जी। आखिरी वजह पीछे छोड़ा है वो फिर आवाज़ शायद क्लियर ना हो। उमर अब्बासी, बाजी का क्या रिजल्ट है, रिजल्ट बता चुके हैं उमर साहब। बिलाल अहमद भाई किधर नजर आ रहा, ये नहीं या नहीं भाई, नजर आ रहा था तो बैठे हैं, सामने थे तीनों, सामने थे और हमने दिखाते रहे हैं। उसके बाद अंधेरे में जब बिल्कुल नीचे कबूतर आ सकता है तभी दिखा सकते हैं, क्योंकि कैमरा अंधेरे को कवरेज नहीं कवर नहीं कर सकता, वो हमारी मजबूरी होती है। जब बिल्कुल बैठने पे आता है वो कैमरे में आता है, हम फौरन उसे कैमरा उधर कर देते हैं। तो आइए जी मेहर साहब, ये मेहर साहब हैं जी उस्ताद के कारे खास बंदों में से एक जी। वो कोई कमेंट है तो करें, क्लियर करें फिर एंड कर दें। इधर के कमेंट तो भाई आ जाए, मुबारकबाद ही दे रहे हैं बहुत से भाई, थैंक यू जी सबका बहुत शुक्रिया। माजी दारिफ कह रहे हैं जी कोरोना का कोई हल नहीं है तो प्लीज केयरफुल रहे हैं गाइस। जी कोरोना का हल है तो हाल ये है कि ये उस्ताद नदीम मुल्ला नदीम साहब के बेटे हैं जी अली। हाँ जी मजीद मुबारकबाद दे रहे हैं जी जनाब, बहुत से दोस्त कह रहे हैं जी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना अच्छा शो करवा रहे हैं और इतनी बोले इधर आना तू भी नाल है यार। ये जी इरफान जो कि बड़ी मेहनत करता है, बड़ी टका के सारा दिन आप समझ लें कि रात दिन ये बंदा मेहनत कर रहा है इरफान। इसके अलावा गुंगा दा जी आवाज आपके बीच में आ रही है वो उनकी आवाज नहीं आ रही। मैं ना शौक पड़ा इनका कबूतर भाई का बेटा मेरा, ठीक है मैं खुद चाहता हूँ ये कबूतर बाज बने, ये शौक आगे चले सालियां ये तालियां मेरे भाई ये चलाए शौक ऐसे, ये जिंदगी है स्टेप बाय स्टेप, एक कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बिल्कुल अच्छा शौक करे मेरे बाप भी ऐसे ही जल लोग आते रहे शौक देते रहे चलता रहे और क्या इसमें कुछ नहीं है, इससे क्या इसमें क्या ले लेंगे फिर। देखिए जी मैं समझता हूँ कि अगर 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 पैसे और टाइम है, पैसे और टाइम ये दो टाइम है दो चीजें हैं तो किसी भी शौक से बेहतर शौक है ये बेहतर है कि आप अपनी ठार में बैठे हैं, आ जाए आप अपनी ठार में अपनी जगह पे बैठे। ये भाई साहब का बेटा है, ये दोनों का मैं चाहता हूँ ये दोनों कबूतर वाले बने। ये भाई साहब जी ये उस्ताद मुल्ला भाई साहब की बेटी है और ये उस्ताद मुल्ला नसीर नदीम साहब की बेटी है, यानी कि इनके और इनके बड़े भाई की बेटी है। देखे जी अगर ये शौक में आए थे तो इन्हें तो मुफ्त में बैठे बैठे कबूतर बाजी नुस्खे मिल जाएंगे, आसान कबूतरबाजी सपोर्ट करें आपने तो बड़ी मुश्किल कबूतरबाजी की है सीखने की, इन्हें तो बैठे बैठे कबूतरबाजी मिलेगी, आसान कबूतरबाजी मिल रही है। इस दौर का सबसे अच्छा शौक है मैं अपने घर बैठे शौक कर रहा हूं एंजॉय और हर बुराई से बंदा बचा हुआ है, जबरदस्त शौक। हेलो
चलो फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हो, देखो खेल है लेकिन खेल अच्छा हो गया, खेल दा हुण बैलेंस हो गया जिन्हू रब दे। खासकर उनके जो कबूतर उड़ा रहे हैं शेख अत्तर साहब, उनको खराज तहसीन पेश कर सके, बहुत ज्यादा कबूतर उड़ा रहे हैं। खेल हार जीत खेल का हिस्सा है लेकिन जबरदस्त बना पसंद आप दोनों सादों ने साबित किया है कि आप दोनों वाकई पागल जी। शुक्रिया लेकिन मैंने कट शॉट खेल जी जीत की बारे है तो अल्लाह ताला की जात पर बेहतर करे जी, जो जिसके हक में बेहतर है वो, हम तो यही कहेंगे। तीन दिन बराबर हो चुकी है, अब देखते हैं अल्लाह की जात पर साथ में वाली किसे की देखती है। एक दफा जरा रिजल्ट रिपीट कर दें, जरा मुझे आपको रिपीट कर देंगे और उसके बाद हम ऑफ करेंगे। 7:40:25 और 7:45:45 पे इनका बैठ गया, 5 मिनट का फर्क पड़ा, 5 मिनट की हार जीत हुई। दोनों ने अंधेरा दिखाया, दोनों ने बहुत अच्छी गेंद दिखाई, बहुत अच्छा शॉट दिखाया, इससे आगे फिनिश कुछ नहीं है। तो माशाल्लाह देखते रहिए जी पाकिस्तान पिंजरा एसोसिएशन चैनल, इंशाल्लाह तआला हम आपको इसी तरह कोशिश करेंगे अच्छी और म्यारी वीडियोस दिखा सके और साफ सुथरी वीडियोस दिखा सके। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन अजर इकबाल के साथ फैसल को इजाजत दीजिए, अल्लाह ये मुझे दे दो, थैंक यू। अगर यार सॉरी मैंने अभी काफी देर से पहनी हुई है जूती, पहन लो। नहीं बूट पहन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम जी तमाम व्यूअर्स को, तमाम उस्ताद साहबान को, तमाम दोस्तों को। एक उसमें एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में कि जी जो उड़े कबूतर हैं वो जरा काइंडली दिखा दें। मालूम के साथ हमने वीडियो बंद कर दी, बाद में मुझे सामने बताया कि वो कमेंट आपने मतलब फॉलो नहीं किया। तो आए आपको कबूतर जो बैठे वो दिखा दें, अंदर जाएँ और बारी बारी एक एक कबूतर पर रोक रोक के दिखाएँ। करीबी बैठे जूम करके ये जी 6 कबूतर आज की बाजी के जो उड़े थे। शायद भाई आपका भी शुक्रिया, तमाम भाइयों का शुक्रिया जी। रात नहीं थी दो मादियां। अच्छा अच्छा ले जी, ये दो मादियां लाटो और एक और कबूतरी जो रात रहे थे वो नहीं मादियां आपको दिखा रहे जी सब। इंशाल्लाह दोनों में मादी छोड़ के दिखा दी, छोड़ के दिखा दी, छोड़ के दिखा दी।
इधर आ जाएं आप इधर आ जाएं ये दो कबूतरियां जो रात रह के आई थी पिछली बाजी उनमें से एक है जी वो भी कटा लाटो माधी ये लाटो की तस्वीर देना है हां भाई नो जेरी बैठी है थी कड्डा हां जी दूसरी वाली जेरी हूं बैठ हां जी वो भी निकाल वो छेन दिखा दी है वो रहने दे कोई बात नहीं वो दिखा दी हूं वो रहने दा इसके इसके साथ जो दूसरी थी बैठी वो भी जी है चले आ जा जी नाज़रीन आज का शौक आपको कराया उम्मीद है कि पसंद आया होगा आपको पसंद आया शौक को लाइक जरूर किया करें करनी हमारी वीडियोस को आपके लाइक करने का आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मे भी हमें कोई उसका फायदा होगा तो फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें आपके हर कमेंट का हम कोशिश करते हैं जवाब देने का अगर कोई मिस हो जाए तो माजरत उसको बाद में हम चेक करके रिटर्न जवाब जरूर देते हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी और देखते रहिए पाकिस्तान पीजीएल एसोसिएशन चैनल नहीं ये नहीं है गुजरात देखते रहिए पाकिस्तान एसोसिएशन चैनल फिलहाल के लिए कैमरामैन अजर इकबाल के साथ फैसल की इजाजत दीजिए।